तो यहाँ पर आ गए हमारे पास जैसे कि पहला एक ऑप्शन है स्क्रीनशॉट का। अब स्क्रीनशॉट का ऑप्शन जैसे मोबाइल में हम जब यूज़ करते हैं ना, वो तो आसान है, क्लिक करते हैं स्क्रीनशॉट आ जाता है, वालेकुम सलाम आ जाए, तो वो स्क्रीनशॉट तो आ जाता है, लेकिन स्क्रीनशॉट आने के साथ साथ वो सेव हो जाता है फोटोज़ के अंदर। अब फॉर एग्जाम्पल कोई स्क्रीनशॉट आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो स्क्रीनशॉट जो है बेसिकली आप किसी एरिया का लेना चाहते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, या आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, अब या आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, या आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। अब जितनी खुले हुए थे ना, इन सबका स्क्रीनशॉट ले सकते थे हम, या फिर हम डेस्कटॉप का कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। देखो, अगर वर्ड आपके सामने खुला हुआ है और स्क्रीनशॉट में पीछे डेस्कटॉप है, तो खाली आप डेस्कटॉप का ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन क्लिपिंग ऑन हो जाएगा, जितने हिस्से का आपको स्क्रीनशॉट लेना है उसको सिलेक्ट करेंगे, वो हिस्सा इसके अंदर एज अ फोटो के तौर पर आ जाएगा। अब आपकी कोई पर्सनल ख्वाहिश है कि यार मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा था, ये मैंने खोला और इसके बिल्कुल आगे वर्ड खोला, अब आप स्क्रीनशॉट पे जब जाएंगे यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए आपको पूरा फोटो मिलेगा यहाँ पे। अब पूरा फोटो ही आपका उसका ले लिया इसने इसके अंदर, ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा था नहीं पर्टिकुलर हिस्से का लूँ, तो फिर आप दोबारा जाएंगे और स्क्रीनशॉट पे क्लिक करके क्या एक्टिवेट करेंगे, स्क्रीन, तो ये वर्ड मिनिमाइज हो जाएगा और जो पीछे वाली विंडो थी वो आपके सामने आ जाएगी और आप उस हिस्से का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जैसे आप चाहें। सही, ये समझ में आ गया? तो इसका स्क्रीनशॉट भी हेल्पफुल हो सकता है, कभी कभार जरूरत पड़ जाती है इन चीज़ों की। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये फीचर तो सारे ऑनलाइन है, विकीपीडिया पे सर्च कर लें, एडिंस ऐड करा लें, गेट एडिंस पे जाएं, तो ये हमारे तो इंटरनेट से रिलेटेड फीचर है, लेकिन ये हमारे कोई खास इस्तेमाल में नहीं आते। ऑनलाइन वीडियो कोई सर्च करनी है तो वो यहाँ इंटरनेट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। अब आते हैं ऑप्शन है लिंक का। अच्छा, लिंक ऑप्शन काम में आ सकता है, इसको आप कैसे काम में लेंगे मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली इसका नाम लिंक रख दिया, इसका पुराना नाम था हाइपर लिंक, ठीक है ना, क्या नाम था, हाइपरलिंक। अब ये लिंक या हाइपरलिंक, मतलब कोई पुराने लोग भी हो सकते हैं ना, आपसे कोई सवाल पूछ ले हाइपरलिंक क्या होता है, आप बोलोगे यार हमें तो पता ही नहीं हाइपरलिंक क्या होता है, तो इसका पुराना नाम था हाइपरलिंक और अब नया नाम रख दिया उन्होंने लिंक, ठीक है। हाइपरलिंक हो या लिंक हो, इसका असल काम ये है कि आप अपने टेक्स्ट के साथ, आप अपने शेप के साथ किसी भी फाइल को लिंक कर सकते हैं। अब लिंक हाँ, जैसे हम क्लिक करें तो वो खुल जाए, ठीक है, इसको लिंक कर सकते हैं। सिंपल है, कैसे करेंगे, जैसे कि आप एक अपना डैशबोर्ड बना लें, जैसे आपने कहा माई फाइल्स डैशबोर्ड, तो ये आपने बना लिया। अब लिंक बनाने के लिए आपको डिफरेंट एस्पेक्ट आप यूज़ करेंगे यहाँ पे, जैसे आप यहाँ से हेडिंग वन में कर दिया, ये एक डैशबोर्ड बन गया, ये आपकी फाइल है, ठीक है। अब मैंने कहा जैसे लिंक जो है आपका टेक्स्ट के साथ भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा माई सीवी के नाम से मैंने एक टेक्स्ट लिखा और इसको मैं अपनी सीवी से लिंक करना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसमें कोई कैद नहीं है कि आप खाली वर्ड की फाइल के साथ लिंक करेंगे, आपकी मर्जी है, आप इसको किसी एक्सेल की फाइल से, पावर पॉइंट की फाइल से, किसी इमेज से, किसी वीडियो से, किसी पीडीएफ से, किसी वेबसाइट से भी लिंक कर सकते हैं। बस फायदा ये होगा कि आपको उसको खोलने की जरूरत नहीं, आप क्लिक करेंगे ये खुद ही लोड कर देगा उसको। सही है। अब ये बनाएंगे कैसे, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ से क्लिक करेंगे लिंक पर और ये लिंक आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, अब आप उसको अपनी सीवी से लिंक करना चाह रहे हैं, तो बताइए आपकी सीवी कहाँ सेव है। तो मैंने कहा मेरी सीवी तो सेव है भाई डॉक्यूमेंट्स में, जाएंगे वर्ड फाइल्स में और यहाँ अहमद सीवी के नाम से एक फाइल है। अब वो पीडीएफ भी हो सकती है, वो वर्ड की फाइल भी हो सकती है, जो जिससे चाहे आप उसको क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। अहमद सीवी 3 की वर्ड की फाइल्स के साथ मैंने इसको लिंक कर दिया, ये इसका लिंक क्रिएट हो गया। नहीं लिखे, ये इसके अंदर खास बात है, जो हम लिखेंगे उसके साथ लिंक हो जाएगा ये। हाँ, जो हम लिखेंगे उसके साथ, अपनी आसानी के लिए जो हम इसमें तहरीर लिख देंगे उसके साथ लिंक करते हैं। सर, ये कलर लिंक की निशानी है। ये एक लिंक की निशानी है और पुराने वर्जन में ये शायद ब्लू कलर का नजर आएगा आपको, ठीक है। अब ये कलर चेंज तो नहीं हो सकता, हो जाएगा फिर हम उसको सिलेक्ट करके यहाँ से होम में जाके इसका कलर चेंज करके देखते हैं। तो ये अपनी मर्जी का कलर भी दे सकते हैं कि ये ब्लैक भी रख दें, फिर पता नहीं चलेगा। हाँ, अच्छा, ओपन करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, ऐसे डायरेक्टली लिंक ओपन नहीं होगा, लेकिन ये आप इस पर एरो रखेंगे तो ये आपको दिखा रहा है कि भाई ये एक लिंक है। कह रहा है कि कंट्रोल का बटन होल्ड करूँ तो ये जो निशान है ना आपका, जो आपका कर्सर साइन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका हाइपर लिंक साइन में। इस निशान को हम कहते हैं हाइपर लिंक साइन, हाइपर लिंक साइन इसका मतलब लिंक है। अब होल्ड करेंगे कंट्रोल को, जैसे क्लिक करेंगे ये बोलेगा यस, हम कहेंगे यस, तो ये हमारे सामने उस डॉक्यूमेंट को खोल के दिखा देगा। हाँ, वर्ड में अलग फाइल, अलग वो खुली रहेगी, वो तो हमारी खुली रहेगी, वो तो डैशबोर्ड है, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन दोबारा खोल देगा। हाँ, किसी कोई भी खोल देगा। अच्छा, अब इसको अगर हम मिसाल के तौर पे, हम ऐसा नहीं करना चाह रहे, हम इसको किसी दूसरी इमेज से लिंक करना चाह रहे हैं, तो माई फोटो लिख दिया मैंने यहाँ पे जैसे, ठीक है, और या माई फोटो लिख के मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और उसको इंसर्ट में जाके दोबारा से लिंक कर दिया,
लिंक करके मैंने इसको कहा कि भाई मेरी जो फोटोज हैं वो कहाँ सेव है, वो है लेटेस्ट के फोल्डर के अंदर, और यहाँ से एक फोटो मैंने सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, ये लिंक हो गया इसके साथ। कंट्रोल का बटन दबा के होल्ड किया, क्लिक किया तो वो फोटो खुल जाएगा, जो भी फोटो होगा व्हाटएवर। नहीं वो सर वो उस वाले सॉफ्टवेयर में खुलेगा जिसमें इमेज सेटअप, हाँ मतलब वो असल में बस इसका काम है उसको ओपन करना, वो खुलेगा अपनी सॉफ्टवेयर में। हाँ वो खुलेगा अपनी सॉफ्टवेयर में, यूट्यूब की लिंक होती है, यूट्यूब पे जाती थी। जी जी जी, अगर हम इसको वेबसाइट के साथ लिंक करते हैं, अब इंटरनेट का पैकेज तो नहीं है लेकिन मैं चलो फिर भी बताता हूँ, ब्राउजर तो खुल जाएगा। हाँ जैसे हमने कहा कि भाई सपोज टू बी एक वेबसाइट का एड्रेस हमने यहाँ से, मेरे पास खुले हुए ना ये एक एड्रेस है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और अब मैं जाऊँगा, अब मैं लिख रहा हूँ कि सपोज टू बी माई स्टडी वेबसाइट, और इसके साथ मैं इसको लिंक करना चाह रहा हूँ, तो सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लिंक पे क्लिक करेंगे। अब वो जो पूरा एड्रेस है आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा इस तरीके से, वहाँ से कॉपी करेंगे उसका एड्रेस और यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, ओके करेंगे, लिंक हो जाएगा। कंट्रोल का बटन दबा के जैसे ही क्लिक करेंगे, यस करेंगे, तो वो आपके सामने लोड हो जाएगा वेब ब्राउजर पर। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट को, किसी भी फाइल को, किसी भी फोटो को, डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकते हैं। हाँ अब ये लिंक एक्सेस हो गया ना, तो इसका कलर ग्रे हो गया इसका। ठीक है, नहीं हम चेंज कर सकते हैं जब चाहे, इसको क्लिक करेंगे यहाँ से, यहाँ पे कोई और कलर। नहीं उसमें एक मसला होगा, लिंक तो आएगा जब हम क्लिक करेंगे, वो अपने कंप्यूटर में खोल के लिंक ओपन करेगा तो उसको वो फाइल मिलेगी नहीं, जब वो मिलेगी नहीं तो वो कुछ भी ओपन नहीं होगा। हाँ फिर खुल जाएगा, ये एक बात है कि अगर आपने जैसे अपनी सीवी बनाई है और सीवी बना के उसका लिंक और सीवी को आपने ऑनलाइन भी किसी वेबसाइट पर डाला हुआ है, यानी कि फ्री होस्टिंग पे या गूगल ड्राइव पे या वन ड्राइव पर, तो आपने अपनी सीवी का लिंक दे दिया अपनी सीवी के अंदर और वो डॉक्यूमेंट किसी को भेजा, डॉक्यूमेंट वो स्टोर करता हुआ था नीचे, आपने कहा ये मेरा लिंक है, उस पर क्लिक करेगा तो इंटरनेट के जरिए वो वेबसाइट उसके सामने खुल जाएगी, ऐसे भी ये काम करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया लिंक। अब यही लिंक आप जो है शेफ्स पर भी लगा सकते हैं इसी काम को, जैसे आप थोड़ा सा एडवांस वर्जन में करना चाहें तो आप इसका बटन बना लें, बटन बनाने के लिए जो हमने टेक्निक सीखी है वो आप अच्छे से स्टाइल इसके ऊपर डालें। ठीक है, स्टाइल डालने के बाद फिर एड टेक्स्ट करें। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं सपोज टू बी माई एडमिशन फॉर्म, तो ये हमने इसका नाम रख लिया। अब इसको क्लिक किया इस बटन के ऊपर, इंसर्ट में गए और सेम फंक्शंस के साथ लिंक पे क्लिक करेंगे और वहाँ जहाँ सेव है उसको वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ से हम उसको ले लेंगे। तो एडमिशन फॉर्म हमारे पास यहाँ बने हुए हैं, ओके कर दिया, ये हो गया लिंक। अब ये भी कब काम करेगा, जब कंट्रोल का बटन दबा के होल्ड करेंगे और ये आ गया इसके ऊपर, क्लिक करेंगे, यस करेंगे, ये आपके सामने इसको लोड करके दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा काम आपका कर रहा होता है, सेम काम उस पर भी कर सकते हैं। अब इसको यूज कैसे करेंगे, एक तो जैसे बहुत अच्छी बात लगी इनकी, ये उन्होंने कहा कि सर जैसे मैं अपना लिंक वेबसाइट का दे दूँ। देखिए आजकल सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स गूगल ड्राइव पर रख सकते हैं, थोड़ा और आगे चलेंगे तो आपको कुछ फ्री होस्टिंग के बारे में बताऊंगा जिसपे आप अपने वेबसाइट्स पर भी अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। असल में उस पर ये होता है ऑनलाइन काम करने में कि अपने कंप्यूटर दरकार हो जाते हैं उसके अंदर, जैसे हम आपको आपको पता है अगर हम एक मोबाइल खरीद के लाते हैं और उसको हॉटस्पॉट से या वाईफाई से कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट करने के बाद आप यूट्यूब उस वक्त तक नहीं देख सकते, फेसबुक उस वक्त तक नहीं चला सकते जब तक कि आप प्ले स्टोर पर इसको अपना जीमेल आईडी पे मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर ना करें। ये बात समझ रहे, इसका मकसद क्या है? इस बात का मकसद ये है, इस बात को ये आपको बावर कराया जा रहा है कि अगर आपको इंटरनेट पर आना है तो यू शुड हैव आईडी, यू शुड हैव आईडी। अब उसकी वजूहत है, जब आप उस आईडी को लगाते हैं अपने मोबाइल फोन पर और लगाने के बाद जो भी आप काम कर रहे होते हैं उसकी हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है आपके मोबाइल में, और जहां पर आप वेबसाइट पे जाते हैं उसके पास भी आपकी पूरी डिटेल जा रही होती है, आपका नंबर जा रहा होता है, आपका आईपी जा रहा होता है, आपके स्मार्टफोन का मॉडल जा रहा होता है, आप जो जो एक्टिविटी कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है हमें कोई नहीं देख रहा लेकिन वो सारी एक्टिविटीज जा रही होती है। अब यही बात आगे जाके जब हम ऑनलाइन काम करने पर लेकर आते हैं तो किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो आप उसको पब्लिक कंप्यूटर से तो एक्सेस ही नहीं कर सकते, फिर वो कहेगा आईडी लगाओ। जब पब्लिक कंप्यूटर पे आप अपनी आईडी डालोगे तो आप खुद इनसिक्योर हो जाओगे क्योंकि आपका क्रेडेंशियल उधर चला जाएगा और जैसे ही वो कनेक्ट होगा वो डाटा डाउनलोड करना शुरू कर देगा और डाटा डाउनलोड करके आपका सारा डाटा आ जाएगा इसके अंदर। इसलिए ये काम हो गया है जरा बहुत ज़्यादा नाजुक, इस हद तक नाजुक हो गया है कि पहले तो चलो हम आईडी वाईडी लगा लेते थे जब तक हमारा स्मार्टफोन में आईडी नहीं लगती थी, अब स्मार्टफोन जब से आया है, अब मेरी मिसाल के तौर पर मेरी जीमेल की आईडी इस पे लगी हुई है, अब जैसे ही मैं किसी पब्लिक कंप्यूटर पर अपना जीमेल का आईडी डालूंगा ना और
फेसबुक पे जाऊंगा वो डेटा डाउनलोड करना शुरू कर देगा, मेरे फोटोज और हर चीज वो उसके अंदर आना शुरू हो जाएगी। और हम लोग, चलो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है और किसी बच्चे को नॉलेज नहीं है, उसका डेटा ही सारा यहाँ पे आ जाए, फिर क्या करेंगे? फिर आप बोलेंगे सर मेरा तो अकाउंट अच्छा, फिर आप जब किसी दूसरे कंप्यूटर से उसको लॉग इन करेंगे वो फौरन आपके जीमेल अकाउंट के ऊपर हिट करना शुरू करेगा, मैसेज आना शुरू जाएंगे, भाई ये किसी ने लॉग इन किया है, भाई ये किसी ने लॉग इन किया है, आप वो कोई और है, बताओ नहीं करो, और उधर आपका पासवर्ड कर देगा ब्लॉक। अब खाली हमारा पासवर्ड ब्लॉक होने से जीमेल तो बंद नहीं हो रहा, फेसबुक भी बंद हो जाता है, इंस्टाग्राम भी बंद हो जाता है, अगर इजी पैसा का अकाउंट है वो भी बंद हो रहा है, उसके ऊपर जाके मोबाइल नंबर पर फिर हिट आना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये ऑनलाइन वाले काम के अंदर आपको पर्सनल लैपटॉप और कंप्यूटर का या अपने स्मार्टफोन का होना लाजमी है। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कभी भी अपना आईडी या अपना जो भी अकाउंट है वो किसी पब्लिक कंप्यूटर पे कनेक्ट ही नहीं करो, क्योंकि जैसे ही कनेक्ट करोगे तुम्हारा क्रेडेंशियल्स चला जाएगा और फिर तुम्हारा पता नहीं आजकल हर कोई कैसा कैसा डेटा रख रहा होता है, वो लीक ना हो जाए, तो उसकी वजह से ज्यादा मसाइल होते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो इस बात के ऊपर थोड़ा सा हमें मामलात रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हाँ दीप तो हिस्ट्री क्लियर कर देता है जी, वो ये अपने हिस्ट्री अपने मोबाइल से क्लियर कर रहा है ना, अपने ब्राउजर से, जहाँ इसका डेटा गया वहां से तो क्लियर नहीं हो पा रहा ना, वहाँ तो सेव है ना इसका डेटा, सिंस नहीं होगा तो सर उतना सारा रहेगा, हाँ अगर वो वहाँ कितनी डिलीट कर दे, यही बात है ना, यही मसला रहता है। और अगर सिंस हो गए चले तो सर हो जाता है, हाँ सिंक तो होगा ना, जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन में कंप्यूटर में जीमेल पे आईडी डालेंगे और इंटरनेट जैसे ही कनेक्ट होगा तो वो आपके मोबाइल से 100% सिंक करेगा, यही उसकी लॉजिक है। जब तो हमारा बैकअप अपडेट होता रहता है व्हाट्सएप वगैरह का सारा, नहीं फिर उसको सिक्योर करने के लिए हमें और ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अब इतना प्रोएक्टिव होने की जरूरत क्या है कि भाई कोई थोड़ा देख के काम कर ले, वाले जो मोबाइल है वो सर गूगल से कनेक्ट है, वो सारे फाइल्स भी वही रखते हैं, फोटोज भी वही रखते हैं, आगे ओप्पो वाला वाला का गेम भी, हाँ उनकी मसला नहीं होता, लेकिन वो सर गूगल फोटोज एल्बम में भी रखेगा, फोटोज में भी रखेगा, अगर किसी ने आईडी खोल दी उसके बाद भी रखेगा, उसको पता ही नहीं। असल बात मैं आपको ये बताऊं कि भाई अपने मोबाइल फोन में आप वही डेटा रखें जो कल को लीक भी हो जाए तो आपको टेंशन ना हो, ऐसा कभी भी मत सोचना कि यार ये तो चल मेरे पास ही पड़ी रहेगी और ये कहीं नहीं जाएगी। मोबाइल फोन भी एक्सेस हो जाते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम अभी सारे कमरे में बैठे हुए हैं और ये बल्ब की रोशनी जल रही तो हमें क्या लग रहा है लाइट है, अगर लाइट बल्ब बंद कर दें तो क्या हम कमरे में बैठे हुए नहीं है, कोई बैठे हुए ना, और कोई आके यहाँ पे ऊट पटांग हरकतें शुरू करना शुरू कर दे तो हम तो बैठे हुए हैं, बात समझ रहे हैं? तो सिर्फ इतना सा ही भरोसा है, ये हमारा मोबाइल जो है इसका स्पीकर जो है ये हमारी आवाज तो रिकॉर्ड हो रही है, हमें भरोसा दिया हुआ है कि क्लिक करेंगे तो जाएगा और नहीं करेंगे तो नहीं जाएगा, तो हमें कैमरा भी होने, वॉइस भी जा रही है, सब काम हो रहे हैं, चीजें देखिए कुछ ढूंढने के लिए जिक्र हो रहा होता है, वो डालने लग जाती है। हाँ ये भी बात है, और दूसरा भी आपके बात नहीं करेंगे उसको, तो अभी इसको यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारा शेप है। अच्छा, इस डैशबोर्ड का बनाने का मसला क्या है, इस डैशबोर्ड बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको शुरू में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन बाद में आपका काम बिल्कुल ओरिजिनल और आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आप आसानी से किसी भी फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको हर फाइल को जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप अपनी मेन फाइल खोलेंगे उस पर क्लिक करेंगे वो फाइल खुलेगी, आप काम करेंगे उसको बंद कर देंगे, तो इस तरह आपका काम ऑर्गेनाइज हो जाएगा, इसलिए हम इसको लिंक को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लिंक के साथ दो और भी हैं, बुकमार्क। अच्छा, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस दोनों एक दूसरे के हिसाब से यूज होते हैं। वैसे मैं आपको आसान अल्फाज में बताता चलूं बुकमार्क होता क्या है। कोई भी किताब आप जब पढ़ रहे होते हैं किताब के अंदर जो निशानी लगाते हैं आप कोई पेपर कापी या कोई टिक उसको कहते हैं इंग्लिश में बुकमार्क। तो इसमें भी आप अगर कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट आपको खोल के बताता हूँ सैंपल डॉक्यूमेंट, और उसको आप देखना चाहें ये देखिए, अब मेरे पास ये डॉक्यूमेंट था, इसको मैं यहाँ पे एक मार्क लगाना चाह रहा था तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इस हिस्से को एक लगा देता हूँ सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाके बुकमार्क। अच्छा, इस पे पहले एक पासवर्ड लगा हुआ है, पासवर्ड खोल दूँ पहले जरा, ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे इंसर्ट पे गए और यहाँ से मैंने इसको लगा दिया लिंक्स में जाके बुकमार्क। अब कोई भी एक बुकमार्क लगा दे, जैसे कि इसमें हमने एक बुकमार्क दे दिया टुडे स्टडी, ठीक है, और इसको ऐड करा दिया और इसको हमने लिख दिया सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाके बुकमार्क संडे, और इसको भी ऐड कर दिया। सिर्फ फायदा इसका ये है कि आप जब भी आप डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो आपको अगर उस पॉइंट पे जाना है जिस पर आपने मार्क लगाया है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे बुकमार्क पर और यहाँ पे क्लिक करके गो टू कर देंगे तो ये आपको उस सेगमेंट पे ले जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके गो टू कर देंगे तो ये आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, बस ये इस तरह से कर लेंगे निशानी है। अच्छा, एक और टॉपिक है इसके अंदर हेडर एंड फुटर का, उसको भी अभी कर लेते हैं।